फैसला हटा गया है, वॉलंटियर्स को लेकर फैसला किया गया है। 4 महीने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी, प्रदूषण की रोकथाम के लिए वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे और बयान नहीं प्लान के साथ इनकी नियुक्ति हो ये कहा गया है। तो एक तरफ तो दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आपने बयान सुना और ये कहा जा रहा है कि ये फैसला दरअसल दिल्ली एलजी का है और दिल्ली एलजी ने ये फैसला लिया है, इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो दिल्ली एलजी ने ये बड़ा फैसला लिया है, जो वॉलंटियर्स हटाए गए थे उन्हें 4 महीने के लिए उनकी तैनाती होगी और प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन्हें तैनात किया जाएगा। और बाकायदा दिल्ली एलजी की तरफ से कहा गया है कि कोई बयान सिर्फ नहीं बल्कि पूरे प्लान के साथ इनकी नियुक्ति की जाए। तो अक्टूबर 2023 में इन सभी को हटाया गया था, दिल्ली सरकार को इनकी तैनाती और भर्ती के लिए पूरी तैयारी और प्लान के साथ मिलने के लिए एलजी ने कहा था ताकि इन्हें रखा जा सके। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि मीडिया में बयान देने के बजाय प्लान के साथ इनकी नियुक्ति की बात करें, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तय भर्ती मानकों के साथ इनकी भर्ती और तैनाती की योजना के साथ सरकार आगे आए। ये एलजी की तरफ से दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है और जाहिर है इसे लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम इन्हें रख रहे हैं और बीजेपी ने इन्हें हटाया था और अरविंद केजरीवाल अब इनके लिए सोच रहे हैं। लेकिन दिल्ली एलजी की तरफ से साफ कहा गया कि जो बिना किसी प्लान के इन्हें रखा गया था उस प्लान को लेकर आइए और प्लान के साथ आप इन्हें तैनात कीजिए। तो एक तरफ दिल्ली एलजी की तरफ से ये निर्देश और